किसी ने अत्याचार और अन्याय करने की कोशिश की तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, डंडे की चोट कह रहा हूँ। जहां एक ओर हमारे प्रदेशीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा गुंडा, भूमाफिया, खनन माफिया, कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है, वहीं इंदौर से रानीपुरा पत्ती मार्केट हकीम कुरैशी द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारी टीम ने पड़ताल कर वीडियो की समीक्षा की तो पता चला 20 से 21 सालों से कब्जा दुकान पर किया गया है। इसका निराकरण अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हर जगह सरकारी विभागों में ठोकर खाने के बाद जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपना वीडियो खुद का वायरल किया। हकीम कुरैशी रानीपुरा गली नंबर 2 में निवास करते हैं। पिछले 40 सालों से इन्हीं दुकानों पर कुख्यात बदमाशों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित हकीम कुरैशी ने थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस में इन बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, लेकिन अभी तक हकीम कुरैशी को इंसाफ नहीं मिला है। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। माननीय श्री शिवराज जी चौहान, आपने जो अभी अभियान चलाया है गुंडे बदमाशों के लिए, वो अभियान आप जो है बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गरीबों के लिए बहुत अच्छी बात है, हम गरीबों की भी फरियाद सुनना। हमारी भी एक रानीपुरा पत्ती बाजार गली नंबर 2 में एक पुराने मकान में हमारी भी एक दुकान है जिन पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। 18-20 सालों से इन्होंने कब्जा कर रखा है, उसमें एक मीटर भी ले रखा है। बोलो, जो मीटर ले रखा है वो फर्जी है, इसकी जांच पड़ताल भी कीजिए। और इन लोगों से हमें अपनी वो दुकान को खाली करवाइए। हम आपसे उम्मीद और मदद चाहते हैं कि ये वीडियो जो है शिवराज जी चौहान तक पहुँचे और हम गरीबों की मदद करें। मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस चीज़ में मेरी मदद करें। वो रानीपुरा पत्ती बाजार गली नंबर 2 में इस चीज़ की जो भी चाहते हैं वो छानबीन करें। हम लोगों को उम्मीद है कि इस दुकान से ये दुकान हमें दिलाई जाएगी तो हम गरीबों का खाना पीना शुरू होगा। 5/2 रानीपुरा गली नंबर 2 में इन्होंने जो कब्जा कर रखा है वो आके आप देखिए, और इस चीज़ को हमारे को जो है इस चीज़ की रिपोर्ट मैंने थाना सेंटर कोतवाली में भी रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, जो इस चीज़ पे मेरी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरे उन तक शिवराज जी चौहान तक पहुँचे और वो मेरी इस चीज़ में मेरी मदद करें। मेरी इस चीज़ पर कब्जा करने वाले जो गुंडे हैं वो है साजिद चंदन वाला, सलीम चंदन वाला, शकील चंदन वाला और इनके अन्य सारे रिश्तेदारी लोग। और जो है हम गरीबों की मदद करने में शिवराज जी चौहान का बहुत बड़ा हाथ है। हम चाहते हैं कि सर वो हमारी मदद करें और हमें इस चीज़ से जल्द हमारे को दुकान दी हो। उसका कारण खादी और खाकी की मिलीभगत हकीम कुरैशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय श्री मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि इन बदमाशों द्वारा इनकी दुकान मुक्त करवाई जाए, कुख्यात बदमाशों पर रासुका की कार्यवाही की जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पीड़ित निवेदन कर रहा है कि इंदौर के रानीपुरा पत्ती बाजार में मकान पर गुंडों
और भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उनके पास यही एक दुकान बची है जिस पर सेंट्रल कोतवाली के लिस्टेड बदमाश साजिश चंदनवाला और फरहान चंदनवाला ने तकरीबन 21 साल से कब्जा कर रखा है। उक्त दुकान पर जो मीटर लगा हुआ है वह भी फर्जी दस्तावेज दिखाकर लिया गया है। बदमाशों द्वारा पीड़ित को लगातार प्रताड़ित कर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इंदौर से विशेष संवाददाता दुर्गेश धुलदोए के साथ कैमरामैन अजीजू अंसारी की रिपोर्ट। हमें अपनी दुकान पे कब्जा चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान हुआ अपनी चीज़ को मांगता है, देखो ज़रूरत पे। और ये लोग क्या है, इतना गुंडागिरी करते हैं, नीचे खड़े हो जाते हैं, लोगों को भीड़ इकट्ठी करना, उधम करना, चाय पीना, और मतलब अपनी गुंडे बदमाशों को रात भर गाने सुनना, लोगों को परेशान करना। कितने सालों से सब्जी पर ये 18-20 साल हो गए। नहीं नहीं कहीं से अभी तक कुछ भी हमारे लिए रिप्लाई आया ही नहीं। अगर हमने पुलिस से मदद मांगी, उन्होंने भी हमारी हेल्प करी ही नहीं अभी तक। समय दिया गया, बस समय दे देते हैं और बोल देते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये ना मेरी दुकान खाली करके दे दें, वो हम कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी चाहते हैं। बस रेशमा, सबसे पहले थाना सेंटर कोतवाली में करी थी साहब, उसके बाद में आईजी ऑफिस में करी, डीआईजी ऑफिस में करी। जो वीडियो वायरल हुआ था वो आपके फोन में? मेरे बड़े भाई हकीम भाई, अब्दुल हकीम भाई। ये मकान में इतने सालों से कब्जे में, अपने अधिकार को वहाँ से कुछ निराकरण के लिए कोई आश्वासन मिला था? नहीं नहीं मिला सर, किसी प्रकार का भी कहीं से कोई कोई आश्वासन नहीं मिला। इसके लिए सोशल मीडिया सहारा लिया आपने जी, और आगे आप क्या अपेक्षा रखते हैं शासन से कि आपकी किस प्रकार से मदद की जाए? जैसे भू माफिया के खिलाफ जो सरकार ने मुहिम चलाया है, उसके लिए हमें भी सरकार से बड़ी उम्मीद है इंसाफ की, कि हमें भी हमारी दुकान दिलाई जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं धंधे कारोबार को लेकर। ये दुकान के कब्जे में किस प्रकार से गई? कुछ नहीं साहब, जब हमारा नया कंस्ट्रक्शन बन रहा था मकान, सन 2000 के आसपास बन रहा था सर, उस टाइम पे इन लोगों ने आगे कब्जा कर लिया था, और फिर कहा बहुत बहुत मतलब बदमाश लोग हैं साहब, बहुत सारे केस हैं इन लोगों के, कुल मिला के कब्जा कर लिया, और कहा कि जो तुमसे जो बने कर लेना, छुड़ा के बता देना। फिर हम भी काफ़ी टाइम तक के मजबूर थे, बेबस थे, कुछ नहीं कर पाए। अभी सरकार ने जो मुहिम चलाया उससे हमें भी उम्मीद जागी है कि हमें भी सरकार से इंसाफ मिलेगा, हमें हमारी चीज़ दुकान दिलाई जाए। अब्दुल रशीद, अट्ठारह बीस साल इसके लिए आपने कहाँ कहाँ प्रयास किया कि इसका निराकरण हो जाए? बहुत सी जगह घूमे हम सर, सेंटर कोतवाली भी गए, वहाँ से क्या जवाब मिला? हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा। फिर हुआ थी एफआईआर दर्ज कराई थी? जी हाँ बिल्कुल भाई। उसके बाद क्या कुछ निराकरण हुआ था? हुआ कुछ हुआ नहीं, मालूम नहीं कुछ। आपको जानकारी नहीं दी गई? जी बिल्कुल नहीं दी। जो वीडियो वायरल हो रहा है वहाँ, अभी आपका एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगा रहे हैं जी, आपके मकान में कब्जा है जी, उसको लेकर के। तो इस स्थिति पहुंचने के लिए क्या क्या आपको प्रेस करनी पड़ी, जिसके हिसाब आपने आपने आज सोशल मीडिया सहारा लिया है? जी मैंने सारी दूरी मतलब कंप्लेन करी है, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, सारी दूर में गया, सब दूर मैंने इनके खिलाफ कंप्लेन करी है। इसमें मैं कोई एक्शन नहीं लिया, जब मुझे जाके मीडिया का एक्शन ले लेना, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मेरा आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन करी है, वहाँ से कोई कॉल आया कि कभी कुछ? जी कोई कॉल नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं। थाने से आपको जवाब क्या मिला? थाने से जवाब हमको ये मिला कि अभी आप रुकिए। और अभी ये जो कब्जा है आपका जी, कितने सालों से? नहीं 18 से 20 सालों से कब्जा है सर।